dear students assalamu alaikum i welcome you all in the course of final project this is very important course in your study scheme as you can't get your degree without passing this course so it shows the importance and significance of this course in your degree program this course is different in terms of its activities from other courses like there are different activities which are divided into different stages of this course द अ कम्प्लीट सेमेस्टर कैलेंडर इज डिज़ाइंड एंड कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट एट द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स जब भी आपका समेस्टर शुरू होता है तो स्टूडेंट्स को एक कम्प्लीट सेमेस्टर कैलेंडर विद द डेड लाइन प्रोवाइड कर दिया जाता है और वो समेस्टर कैलेंडर स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडलाइन होती है जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज कम्प्लीट करनी होती हैं इस कोर्स की डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट स्टेज़ज में डिवाइड की गई हैं The first or important stage here that is related to the topic selection and proposal development. This course is all about the research and the problem which you choose for researching in a real world, and uh, this research helps you to polish your analytical skills. क्योंकि ये कोर्स जो है वो प्रोफेशनल लोगों को ऑफ़र होता है विच इज़ डिफ़रेंट फ्राम द रेगुलर स्टूडेंट्स क्योंकि प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इसलिए उनको जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो उनकी एनालिटिकल स्किल्स होती हैं सो so, उसको पॉलिश करने के लिए और इन्हांस करने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है ताकि आफ्टर कम्प्लीटिंग द कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनालाइज द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन अ बेटर मैनर एंड टू सॉल्व द इश्यूज इन एन इफेक्टिव मैनर सो सबसे इंपॉर्टेंट और जो फर्स्ट स्टेज है वो टॉपिक सिलेक्शन की होती है और उसके बाद प्रपोजल डिवेलपमेंट होता है टॉपिक सिलेक्शन में स्टूडेंट्स अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन या अपने डिग्री प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली टॉपिक्स चूज करते हैं फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च इन अ रियल वर्ल्ड अब इसके लिए एक गाइडलाइन भी प्रोवाइड की गई है दैट इज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच इज अवेलेबल इन द डाउनलोड सेक्शन ऑफ द कोर्स और ये लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को एक हेल्प करती है कि किस तरह का टॉपिक होना चाहिए वो किस तरह से वर्कबल होगा और वायबल होगा फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट वो टॉपिक आप अपनी मर्जी का भी चूज कर सकते हैं लेकिन उसको वायबल होना चाहिए एक ऐसा रिसर्चेबल टॉपिक हो जो आप कंप्लीट सेमेस्टर की ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट कर सकें सो so, उसके बाद टॉपिक सिलेक्शन के बाद आप उसके ऊपर एक कंप्लीट प्रपोजल डेवलप करते हैं प्रपोजल इज एक्चुअली अ रोड मैप फॉर स्टूडेंट्स to uh, pursue further for conducting a research और उसके लिए एक format भी provide किया गया है students को जो download sections में होता है और students को ये चाहिए होता है कि वो अपने topic के context में complete proposal जो है वो develop करें और वो सारे contents और sections जो है उसके हैं उसके अंदर शामिल करें in the context of the chosen topic उस प्रपोजल को आप एक असाइनमेंट के अगेंस्ट सबमिट करते हैं जो असाइनमेंट्स एल एम के ऊपर ओपन होती हैं और ये असाइनमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए फॉर द प्रपोज़ल सबमिशन ओपन की जाती हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस कोर्स का ये है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द सेमेस्टर आपको एक सुपरवाइजर एलोकेट कर दिया जाता है हर स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल सुपरवाइजर मिलता है जो कि उसका मैंटॉर होता है और वो उसके काम को फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द सेमेस्टर मॉनिटर करता है उसको गाइड करता है उसको मैंटोर करता है उसका जो प्रपोजल होता है वो वो सुपरवाइजर एवालुएट करता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं या उसमें किसी भी किस्म की इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होती हैं तो वो उसके ऊपर कमेंट्स देके वो असाइनमेंट वापस स्टूडेंट के पास जाती है एंड इफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट तो फिर मल्टीपल ऑप्शन उनको सबमिशन दी जाती हैं जिसके अगेंस्ट वो अपनी इम्प्रूव्ड असाइनमेंट सबमिट कराते हैं और उसको अपने प्रपोजल को इम्प्रूव करते हैं यह मल्टीपल असाइनमेंट्स में इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है और स्टूडेंट अपने प्रपोजल की एक्सेप्टेंस तक पहुंचता है बिकॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज अगर स्टूडेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसकी नेक्स्ट स्टेज प्रोजेक्ट होती है उसके लिए उसको पहले डेटा कलेक्शन करनी पड़ती है जो कि डिफरेंट रिसर्च टूल्स के थ्रू होती है वो आपकी टॉपिक के हिसाब से और आपकी रिसर्च डिज़ाइन के हिसाब से आप अपने प्रपोज़ल में आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं और वो अप्रूव्ड होती है बाई सुपरवाइज़र और फिर आप उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं और एक कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसका फॉर्मेट भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया होता है उस फॉर्मेट के मुताबिक स्टूडेंट्स एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं अगेंस्ट असाइनमेंट विच इज रेलिवेंट फॉर द प्रोजेक्ट सबमिशन अब वो असाइनमेंट भी उसी तरह होती है बाय द सुपरवाइजर जिस तरह आपके प्रपोजल असाइनमेंट्स इवेलुएट हुई हैं डिफरेंट सबमिशन में अगर आप उसको इंप्रूव कर जाते हैं तो आप उस रिटर्न या जो आपका राइटअप होता है पास कर जाते हैं विच इज़ द इम्पॉटेंट स्टेज ऑफ दिस कोर्स अगर आप राइट अप पास कर गए हैं देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ द प्रेजेंटेशन एंड माई वॉयस प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए भी उतनी ही असाइनमेंट ओपन होती हैं जितनी प्रपोजल सबमिशन के लिए होती हैं और मल्टीपल सबमिशन ओपन करने का मतलब यही होता है कि स्टूडेंट को सफिशेंट टाइम प्रोवाइड किया जाए ताकि वह उसमें अपना काम इम्प्रूव कर दे एज पर द गि गाइडलाइन ऑफ द सुपरवाइजर सुपरवाइजर से कांटेक्ट करने के डिफरेंट मोड्स होते हैं जो इस कोर्स में स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं फॉर फैसिलिटेटिंग देम और उसमें आपके स्काइप सेशनज होते हैं जो स्केड्यूल्ड होते हैं और उसका स्केड्यूल भी आपको शुरू में ही कम्यूनिकेट किया जा सकता है उसके अलावा भी आप स्काइप के ऊपर अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट कर सकते हैं एज़ पर द कन्वीनियंस ऑफ बोथ और आप ईमेल पे अपना टाइम जो है वो सुपरवाइज़र से मांग सकते हैं और उसके मुताबिक आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा आप ईमेल मेल के थ्रू तो कम्युनिकेशन uh, करते ही हैं एंड यू कैन आल्सो कॉल टू योर सुपरवाइजर ऑन द प्रोवाइडेड नंबर्स जब आपका राइटअप पास हो जाता है विद द हेल्प ऑफ योर सुपरवाइजर और विद द मेंटोरिंग ऑफ योर सुपरवाइज़र तो फिर जो लास्ट स्टेज इस कोर्स की है वो प्रेजेंटेशन की होती है प्रेजेंटेशन में आप अपना पास Uh, जो राइटअप होता है या पास प्रोजेक्ट होता है वो पैनल के सामने प्रेजेंट करते हैं और फिर पैनल उस पर आपको क्वेश्चन आंसर्स करता है एंड यू नीड टू डिफेंड एंड जस्टिफाई योर वर्क विच आर प्रेजेंटेड इन द फ्रंट ऑफ द पैनल उस काम को uh, पास करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको ये बताना होता है कि जितना काम आपने किया आपने उससे कितना लर्न किया और आप उसको कितना बेहतर तौर पर डिफेंड और प्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द पैनल अगर आप वो प्रेजेंटेशन भी पास कर जाते हैं देन यू पास द कंप्लीट कोर्स दैट इज़ द फाइनल प्रोजेक्ट और उसके बाद आपकी जो क्रेडिट आज होते हैं उनमें इस कोर्स के क्रेडिट आज एड ऑन हो जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस कोर्स की है वो ये है कि दिस इज़ नॉन ग्रेडिड कोर्स बट इट इज़ क्रेडिटेड कोर्स इसके क्रेडिट आर्स तो आपके टोटल क्रेडिट आर्स में एड अप होते हैं आफ्टर पासिंग द कोर्स लेकिन इसके ग्रेड्स जो हैं वो आपके सी जी पी ओ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते बिकॉज इट इज अवेल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ पास एंड फेल और वह आपकी ग्रेड बुक में मैंशन होता है जब आप इस कोर्स को कम्प्लीटली पास कर जाते हैं दैन यू आर एबल टू गेट योर डिग्री इफ यू हैव द अदर कम्पलीटेड द अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स और अगर आप किसी भी स्टेज के ऊपर इस कोर्स के वो स्टेज पास नहीं कर सकते दैन यू नीड टू री एनरोल द कोर्स इन द नेक्स्ट सेमेस्टर फॉर कम्पलीटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कोर्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्टेड नहीं है इन मल्टीपल सबमेश तो आपको वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस ज़रूरी है फॉर मूविंग टूवर्ड्स अदर स्टेजेस अदरवाइज़ आप मूव नहीं कर सकते और उसके लिए आपको फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में भी कि आप प्रपोजल पे काम करें उसकी एक्सेप्टेंस लें और फिर प्रोजेक्ट स्टेज तक आएँ केस अगर आपका प्रपोजल पास है और आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं मूव कर सके देन यू नीड टू एनरोल कोर्स अगेन इन नेक्स्ट सेमेस्टर और आप फिर प्रोजेक्ट को ही काम करेंगे आप अगर उसी प्रपोजल को लेके चलना चाहते हैं लेकिन अगर आप नया टॉपिक लाना चाहते हैं नए प्रपोजल पे काम करना चाहते हैं तो आप उस सूरत में भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं अगर आप प्रोजेक्ट भी पास कर चुके हैं लेकिन प्रेजेंटेशन पास नहीं कर सके या उसमें एबसेंट हुए हैं और आप प्रेजेंटेशन में अपेयर नहीं हो सके देन यू नीड टू एनरोल दिस कोर्स अगेन बिकॉज यू हैवन कम्पलीटेड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कोर्स और फिर उसके बाद आप दोबारा उस कोर्स वही राइटअप जो आपका पास राइटअप है उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रजेंट करके आप सिर्फ प्रेजेंटेशन में अपेयर हो सकते हैं सो so, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें से पास करना जरूरी है और उसको हर स्टेज को हर स्टेज की इम्पॉर्टेंस उतनी ही है इस कोर्स में और ये सारी स्टेजेस पास करनी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंप्लीटिंग द कोर्स एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस कोर्स का है वो जॉब कॉन्फर्मेशन लेटर है बिकॉज दिस कोर्स इज ऑफर्ड टू ऑन जॉब स्टूडेंट्स तो जॉब कॉन्फर्मेशन लेटर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो स्टूडेंट से मांगा जाता है और उसके लिए भी एक इंडिपेंडेंट असाइनमेंट विद द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर ओपन कर दी जाती है और स्टूडेंट्स से ये कहा जाता है कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स uh, जो उनको कम्युनिकेटेड होती हैं ऑन एल या एफ में भी मैंशनड हैं वो जॉब कॉन्फर्मेशन लेटर स्कैन करके उस असाइनमेंट के अगेंस्ट सबमिट करते हैं और सुपरवाइजर उसका वो डॉक्यूमेंट एवेलुएट करता है अगर वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड होता है तो वो प्रेजेंटेशन की स्टेज पे मूव कर सकता है अदरवाइज अनटिल एंड अनस द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड द स्टूडेंट विल नॉट बी कॉल्ड और स्केड्यूल्ड फॉर प्रेजेंटेशन एंड माई सो इस डॉक्यूमेंट की इम्पॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा है जिसना बाकी स्टेज़ की है और प्रेजेंटेशन की स्टेज पे जाने से पहले आपको ये सारे रिक्वायरमेंट्स uh, पूरी करनी जरूरी है जिसमें एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल भी है प्रोजेक्ट का राइटअप भी पास होना जरूरी है और जे का या जॉब कॉन्फर्मेशन लेटर की एक्सेप्टेंस भी जरूरी है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द कोर्स एज दिस इज डिफरेंट फ्राम अदर कोर्सस एंड इट्स इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली Will add on your uh, knowledge and also will polish your skills. I hope you will enjoy the journey of this course. Wish you very good luck. Have a good day.